कॉजेज और रीजंस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द कॉजेज? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दो बहुत अलग क्वेश्चन है. ढंग से नहीं पढ़ते हमें लगता है एक ही तो बात होगी ना. नहीं, कॉजेज और रीजंस अलग है, फैक्टर्स और बेसिस अलग है. तो अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? कॉजेज. व्हाट आर द रीजंस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन? यूजेज, यूजेज, इफ्लक्स ऑफ टाइम. इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब पहले भी बताया था, पैसेज ऑफ टाइम. सम एसेट्स हैव अ डेफिनेट लाइफ पीरियड, लाइक लीज. आपने 5 ईयर्स की लीज पे ले रखा है एसेट, 10 ईयर्स की लीज, उसके बाद आपको वापस ही करना पड़ेगा. ऑन द एक्सपायरी ऑफ द लाइफ द एसेट विल सीज टू एग्जिस्ट. अदर एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी मे नॉट हैव अ डेफिनेट लाइफ. इन देयर केस देयर लाइफ इज एस्टिमेटेड. कह रहे कुछ तो होते हैं जो आपने लीज पे ले रखे हैं, तो उनका तो 10 ईयर फिक्स्ड है ना, 10 साल की लीज पे ले रखे हैं, उसके बाद आपको वापस ही करना है, तो आपके लिए वो एसेट जीरो हो जाएगा. लेकिन जो बाकी है मशीन, अगर आपने परचेज करी है, कह रहे सर फिर उसकी लाइफ कैसे है? आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने तो खरीद ली, अब तो जिंदगी भर आपकी हुई ना. बट अकाउंटिंग पर्पज के लिए हमें उसकी लाइफ एस्टिमेट करनी पड़ती है. क्या करनी पड़ती है? एस्टिमेट. 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, अकाउंटिंग पर्पज के लिए. फिर उसके हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है. तो अगर आपने एस्टिमेट कर ली, तो फिर अकाउंटिंग पर्पज के लिए तो अब उसकी लाइफ 10 ईयर्स ही मान ली गई ना. तो अगर 1 साल हो गया, तो रिमेनिंग लाइफ बढ़ेगी या कम होगी या सेम रहेगी? कम होती जा रही है ना, तो इसलिए उसकी वैल्यू गिरती जा रही है ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम. ऑब्सोलेसेंस, चेंज इन द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी. ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस इज वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द कॉजेस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. इट मींस अ स्टेट व्हेन द एसेट बिकम्स ऑब्सोलीट, आउटडेटेड ड्यू टू प्रोडक्ट ऑफ बेटर क्वालिटी बीइंग अवेलेबल. एक अपग्रेडेड वर्जन किसी भी चीज का आया, तो उसके जो पिछले वर्जन की वैल्यू है वो गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और फास्ट पेस पे गिर जाएगी जैसे एक नया मॉडल अपग्रेडेड वर्जन आ जाएगा. इफ अ बेटर मशीन कम्स इन द मार्केट, ओल्ड मशीन्स मे हैव टू बी स्क्रैप्ड इवन दो दे आर केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड. अब जैसे पहले पेंटियम प्रोसेसर होते थे, फिर इंटेल आया, फिर इंटेल डुअल कोर, कोर टू डुओ, मतलब अपग्रेडेशन होती गई होती गई होती गई. तो जैसे से नए आते हैं, पुराने चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी लेटेस्ट मशीनरी होगी आपकी, वो उतना फास्ट काम करेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी कम. सर वो तो महंगी होगी ना, वो वन टाइम एक्सपेंस होगा. एसेट क्रिएशन इज अ वन टाइम एक्सपेंस, बट उसकी वजह से जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो आपकी कॉस्ट कम कर देगी, पर यूनिट कॉस्ट. व्हाट आर द कॉजेस? यूजेज, इफ्लक्स, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, एक्सीडेंट्स, वेयर एंड टेयर में आ जाता है ये, ठीक है. एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंटल लॉस में भी परमानेंट, बट इट इज नॉट कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल. ऑफ द अबव ओनली फर्स्ट टू फैक्टर्स आर कंसिडर्ड रेलिवेंट फॉर डेप्रिसिएशन, यूजेज एंड पैसेज ऑफ टाइम. कॉजेज आर कंसिडर्ड ओनली वेन दे अकर. ऑब्सोलेसेंस तो जब होगी तब होगी, एक्सीडेंट तो जब होगा तब होगा, यूजेज और इफ्लक्स तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ही, मतलब एसेट तो यूज हो ही रहा है, टाइम तो कट ही रहा है. तो जैसे जैसे टाइम कटेगा, रिमेनिंग लाइफ कम होती रहेगी, तो एसेट की वैल्यू तो गिरेगी ही गिरेगी. तो ये दो चीजें तो है ही हैं. थर्ड, ऑब्सोलेंस जरूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी हर साल ही नया आईफोन आ जाए, तो नॉर्मली होगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. एक्सीडेंट तो भगवान ना करे कभी भी हो, बट जरूरी नहीं. दे आर ओकेजनल एंड डू नॉट हैपन टू ऑल दी एसेट्स. तो व्हाट आर द कॉजेज और रीजंस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन?